हमीरपुर में हुई दरिंदगी पर महिला आयोग ने तलब की रिपोर्ट। डीजीपी मुख्यालय ने दिए ये निर्देश। हमीरपुर में हुई दरिंदगी पर महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हैवानियत भरी वारदात का राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से घटना की पूरी रिपोर्ट तलब की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवती के साथ हैवानियत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के सिटी फॉरेस्ट में एक युवक के साथ गई छात्रा के साथ 6 से अधिक युवकों ने हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। यही नहीं, इस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। दरअसल एक छात्रा युवक के साथ सिटी फॉरेस्ट गई थी, तभी आसपास में रहने वाले युवक मौके पर पहुंच गए। युवकों ने कपड़े फाड़ कर छात्रा को निवस्त्र कर दिया और उसके साथ दरिंदगी की। डीजीपी मुख्यालय ने सख्त कार्यवाही करने के दिए निर्देश। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही हमीरपुर एसपी को इस मामले में तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हमीरपुर पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान गोरा देवी के रहने वाले 42 साल के कन्हैया शर्मा, 18 साल के प्रीतम शर्मा, 17 साल के शमीम कमल निषाद और एक अन्य नाबालिग रूप में हुई है। महिला आयोग ने एसपी से की रिपोर्ट तलब। घटना की गंभीरता को देखते हुए यूपी राज्य महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने कहा है कि एसपी हमीरपुर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है। आज दिनांक 18/8/2022 को जनता के माध्यम से एक वीडियो और सूचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 16/8/2022 को एक लड़का और एक लड़की सिटी फॉरेस्ट एरिया में आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो 3-4 गांव के लोग और 2-3 लड़के वहां पे पहुंच गए। उन्होंने उन लड़के और लड़की के साथ मारपीट की, उनसे पैसे की मांग की और उनके साथ बदतमीजी की। पर वीडियो के द्वारा संबंधित लोगों की पहचान कर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य व्यक्तियों की पूछताछ तारी और पूछताछ करने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई गैंग रेप जैसी वारदात? ऐसा वीडियो देखने से और अभी तक की पूछताछ तहकीकात से इस तरीके का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। सर, जिस तरीके से निर्वस्त्र करके लड़की को बदतमीजी की जा रही है उसके साथ, तो क्या इस तरीके गैंगरेप जैसी कोई वारदात होने की आशंका जैसी दिखाई जा रही है? अभी मुकदमा गैंगरेप में लिखा जाएगा? अभी तक की पूछताछ तहकीकात से छेड़खानी और निर्वस्त्र करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, गैंगरेप का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। लड़की के बारे में कुछ पता चल पाया? युवती की पहचान नहीं हो पाई है, न लड़की की पहचान हो पा रही है। उक्त लोगों की पहचान कर उनसे तहरीर प्राप्त की जाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इस पूरे प्रकरण में कितने लोग हैं जो पुलिस की रडार में? अभी तक कुल 6 लोगों का प्रकरण नाम संज्ञान में आया है, जिसमें से 3 लोग पुलिस की हिरासत में है। शेष लोगों की पहचान और हिरासत में लिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।